जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। के थाना इगलास क्षेत्र में मथुरा कुरीर के रहने वाले एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वो अपने माता पिता से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था, तभी उसने खुद को शूट कर लिया। पुलिस ट्रक को लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ पहुंची, जहां उसके परिजन भी आ गए। इस दौरान काफी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि वो यहां छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था, उसने किस कारण ये कार्य किया इसका अभी पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर मथुरा के सुरीर के व्यक्ति ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या की है। गोपाल नाम है। कहां रहते हैं? अमृतसर पंजाब में। थाना कौन सा? थाना सदर। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई है, क्या है? भाई आया था मेरा यहाँ पे गांव में, हमारा घर है बालई में, टैटी गांव में, घूमने आया था, भाइयों के साथ गया था, अपने मौसी के लड़कों के साथ। तो बस उन्हीं के साथ गया था, उनके पास वेपन वगैरह था जी। वैसे हवाई फायर कर रहे थे तो उसके लग गए। किस से लग गए? दंत से। कारण क्या रहा है? हवाई फायर करने से लग गई। अच्छा, ये फेसबुक पे ही लाइव हुआ था? पता नहीं सर मेरे को, उसमें तो आज ही पहुंचे हम, तो रात के निकले हुए अमृतसर से। उम्र क्या रही है? 32 ईयर। क्या नाम था भाई? प्रदीप शर्मा। ये मतलब जो है आपको कैसे सूचना मिली? हमें फोन आया था पुलिस को। तो मौके पर ही मौत हुई जी। से अवगत कराना चाहता हूं कि थाना गोंडा क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मौके पर जाकर जांच की गई तथा अज्ञात व्यक्ति की पहचान कराई गई, तो पता चला कि मृतक व्यक्ति थाना सुरीर जनपद मथुरा का रहने वाला है। इस सत्यापन पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया तथा उनके परिजनों से पूछताछ की गई। उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र नशे का आदी था और कल उसने वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और वीडियो कॉल पर ही उसने गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जो भी प्रमाणिक तथ्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। मौके पर शांत